गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाइवट टेबल, और इस वीडियो में हम लोग कंसोलिडेट कर देंगे हमारा पाइवट टेबल का कंसेप्ट। अब हम लोग एक बार एक फाइनल क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम पूरे डेटा को समराइज करेंगे एक्सेल में। तो बेसिकली सपोज कीजिए कि हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप इसमें से ये निकालिए। ये एक सैलून का डेटा है, इसमें से आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन से मंथ में और कौन सी सर्विस सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू देती है। तो आपसे मंथ भी पूछा जा रहा है, सर्विस भी पूछा जा रहा है, और डेटा आपके पास बहुत सारा है। तो हमें अब इसमें दो चीजें यहाँ पर एक्सेल में चाहिए, एक तो मंथ चाहिए लिखा हुआ। तो देखिए, मंथ यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट हमने पिछले वीडियो में ऐड किया था, तो हम वापस ऐड करेंगे। यहाँ पर मंथ निकालेंगे इनवॉइस डेट से, और फिर उसके बाद दूसरा हमें चाहिए सर्विस कैटेगरी। तो सर्विस यहाँ कैटेगरी दी हुई है, तो हम इस सर्विस कैटेगरी के बेस पे पाइवट टेबल बनाएंगे। तो चलिए, सिंपल सी चीज है, सबसे पहले मंथ में कन्वर्ट करते हैं डेट को। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं टेक्स्ट का, इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, कॉमा MMM डैश YY, ये फॉर्मेट में हमें चाहिए, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमाज आपको लगाने पड़ेंगे, ये प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि टेक्स्ट का जब भी फॉर्मूला यूज होता है तो इन्वर्टेड कॉमाज लगते हैं, वरना वो आंसर नहीं आएगा। तो ये टेक्स्ट में आपको ये कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। फिर इसको पे स्पेशल वैल्यू पढ़ लेंगे हम, ये पे स्पेशल वैल्यू पढ़ लिया, तो हमारे पास मंथ भी आ गया, हमारे पास सर्विस कैटेगरी भी है और रेवेन्यू भी यहाँ पे दे सकता है। अब हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल लगाएंगे यहाँ पे। तो पूरे को सेलेक्ट किया, ऑल्ट एन वी और एंटर, तो ऑल्ट एन वी से हमारी टेबल लगती है। अब हमने यहाँ देखिए, अब हमें क्या है, टेबल जब भी हम पाइवट टेबल बनानी है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ क्या रखना है। यहाँ पर नेम ऑफ सर्विस रखनी है कि जैसे हेयर कट है, मसाज है, वो यहाँ पे रखना है, या फिर इधर हेडिंग में रखना है, और यहाँ पर अप्रैल मई जून मंथ रखना है। तो कैसे रखना है वो अपन डिसाइड कर सकते हैं, आप दोनों तरह से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरली होता ये है जब लेफ्ट साइड के आइटम, यहाँ पर भी आइटम लिस्ट ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा लिस्ट है, तो हम यहाँ पर ज्यादा लिस्ट वाले आइटम रखते हैं ऐसे, और ऐसे हम कम लिस्ट वाले रखते हैं, ज्यादातर ऐसा हम करते हैं, ठीक है। बट क्योंकि हमारे पास दोनों डेटा सेम सा ही है, तो इसलिए हम कैसे भी रख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे मैं सर्विस रख लेता हूँ, तो जो भी चीज मुझे लेफ्ट साइड पे रखनी है उसको मैं रोज में डालूंगा। देखिए यहाँ पे, तो मुझे अगर यहाँ पे सर्विसेज चाहिए, सर्विस के नाम, तो मैं उसको यहाँ रोज में डालूंगा यहाँ पे। तो हम सबसे पहले सर्विस कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ये रहा सर्विस कैटेगरी, इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ गया। दूसरा, जो मुझे यहाँ ऊपर चाहिए यहाँ पर, उसको मैं कॉलम्स में डालूंगा, यहाँ कॉलम्स में। तो कॉलम्स में हमें चाहिए मंथ, उसको मैं ड्रैग करके यहाँ डाल दूंगा, ये कॉलम्स आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे चाहिए रेवेन्यू, रेवेन्यू का टोटल, तो इनवॉइस अमाउंट विदाउट टैक्स, इसको जहाँ वैल्यू का टोटल चाहिए यहाँ डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए सम आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ सम आना चाहिए, अगर यहाँ काउंट आता है तो हम लोग इसको नहीं ले सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सम में, यहाँ पे क्लिक करके, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ पर आप उसको सम, काउंट, एवरेज सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब आपको इससे पता चल गया कौन सी सर्विस, देखिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रही है वो यहाँ पता चलेगा। देखिए ये सर्विस हमें 8 लाख, 8,87,000, ये देखिए ये सबसे ज्यादा दे रही है हेयर कट एंड ब्यूअर। फिर मसाज वाली सर्विस हमें 8,55,000 रेवेन्यू दे चुकी है 6 महीने में। तो ये हमें पता चल गया कि इन दो सर्विस से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। कौन से महीने में आता है वो आप लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं कि अच्छा देखिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें इस सर्विस ने इस महीने में दिया है 2,14,000 का। तो आप नियर अबाउट उस महीने में और प्रमोशन स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, क्योंकि तो उस महीने में ज्यादा कस्टमर आते हैं मेरे। तो ये सब एनालिसिस हम लोग करते हैं पाइवट टेबल के यूज से। अब सपोज कीजिए मैं देखता हूँ कि एवरेज रेवेन्यू कौन सी सर्विस से ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ सम की जगह मैं यहाँ पर एवरेज कर दूंगा, तो मुझे एवरेज रेवेन्यू दे देगा। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है कि अगर सपोज 100 कस्टमर आए हैं, तो और 100 कस्टमर का टोटल 2 लाख रुपीज हमें मिला है, तो वो डिवाइड कर देगा उसको 100 कस्टमर, 2 लाख को 100 कस्टमर, तो ऐसे एवरेज रेवेन्यू देता है, यानी पर कस्टमर रेवेन्यू आपको दे देगा ये। तो पर सर्विस पर कस्टमर रेवेन्यू आपको इसमें दे देगा। तो अब इसमें हम देख सकते हैं, देखिए एवरेज प्राइस हमारी किस में हमें रेवेन्यू सबसे ज्यादा मिल रहा है। देखिए एंटी एजिंग में आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू जुलाई में मिला एवरेज, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्कीम चलाई होगी मे भी आपने। तो ये चीजें क्या है, इन डेप्थ में जब हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो चीजें हमें अच्छे से ज्यादा समझ में आती है। बट पाइवट टेबल लगाना ईजी है,
एनालिसिस करना उसके बाद और आसान हो जाता है हमारे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वी लुकअप पे, और वी लुकअप कैसे लगाया जाता है, इस डेटा के बेस पे ही हम लोग काम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।